बताइए कौन सा इस बार फॉर्मूला लगाया है बीएसपी ने उपचुनावों में उतारा गया है अपने उम्मीदवारों को। बिल्कुल देखिए बीएसपी के सामने रास्ता भी नहीं था क्योंकि उत्तर प्रदेश की विधानसभा में बीएसपी के पास सिर्फ एक विधायक बचा है, उमा शंकर सिंह नाम का एक विधायक 403 विधायकों में। सोचिए एमएलसी जीरो, राज्यसभा जीरो, लोकसभा इस बार हाथ नहीं लगा, तो इनके पास रास्ता नहीं था। इसलिए मायावती ने बड़े दिन के बाद, यानी बीएसपी उपचुनाव नहीं लड़ा करती है, लेकिन इस बार बड़े दिन चूँकि ऑप्शन नहीं था, हर जगह इनको नाकामयाबी ही मिली है, ऐसे में उपचुनाव में बीएसपी ने अकेले लड़ने का मन बनाया है। अकेले पहले घोषित कर दिया वो किसी गठबंधन का हिस्सा नहीं होंगी, अकेले चुनाव लड़ेंगे। और आज बीएसपी ने 8 उम्मीदवारों की, यानी कि 9 सीटों पर चुनाव होना है अभी, और 8 उम्मीदवारों की घोषणा कर दी है, जिसमें से 6 हिंदू समाज से हैं, 2 इन्होंने मुस्लिम कैंडिडेटों को भी उतारा है। तो ऐसे में लड़ाई दिलचस्प हो गई है। एक तरफ समाजवादी पार्टी अपने बैनर तले सभी सीटें घोषित कर रही है, 2 का और दावा है, वो भी क्लियर हो जाएगी, सीट आ जाएगी। इधर बीजेपी अपने झंडे पर चुनाव लड़ रही है, भले एनडीए गठबंधन क्यों ना कहा जाए, लेकिन बिल्कुल राघवेंद्र, और इसी के साथ साथ जो लड़ाई चुनाव की उत्तर प्रदेश में वो त्रिकोणीय हो चली और शायद यही वजह कि जो चुनाव दिलचस्प चले। लेकिन इस बीच बड़ी बात क्या है, बड़ी बात दरअसल है कि इस बार कांग्रेस चुनाव नहीं लड़ रही है, समाजवादी पार्टी की मुखिया की ओर से साफ साफ ऐलान किया जा चुका है। इसी के साथ साथ बड़ी बात यहाँ पर है कि बीजेपी ने अब तक तमाम उम्मीदवार के नाम का ऐलान कर दिया है और अब बीएसपी भी इस पूरे मुकाबले में उतर गई है। क्या कुछ कह रहा है सियासी गुड़ागढ़ यूपी का, रिपोर्ट में दिखाते हैं। यूपी में सज गया उपचुनाव का रण, भाजपा उम्मीदवारों का ऐलान, सपा ने अकेले ही ठोकी ताल। उत्तर प्रदेश में 9 विधानसभा सीटों पर होने वाले उपचुनावों की जंग रोचक हो गई है। बीजेपी और समाजवादी पार्टी दोनों ने जीत के लिए अपनी फील्डिंग सजानी शुरू कर दी है। लोकसभा चुनावों में अच्छा प्रदर्शन करने के बाद जहां समाजवादी पार्टी के हौसले बुलंद हैं, तो बीजेपी को भी योगी सरकार के कामकाज पर भरोसा है। उत्तर प्रदेश में विधानसभा उपचुनावों का बिगुल बज चुका है। एक तरफ भाजपा गठबंधन जिसने अपने उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया है, दूसरी तरफ इंडिया गठबंधन जिसमें समाजवादी पार्टी के चुनाव चिन्ह पर चुनाव लड़ने की तैयारी है। लोकसभा चुनावों के परिणामों में इंडिया गठबंधन बढ़त में दिखाई दिया, पर आगामी विधानसभा उपचुनाव के परिणाम ये तय करेंगे कि 2027 के विधानसभा चुनावों से पहले उत्तर प्रदेश की जनता किसे पसंद कर रही है। उपचुनावों के लिए तकरीबन सभी सीटों पर तस्वीर साफ होती जा रही है। बीजेपी ने 7 सीटों पर अपने उम्मीदवारों के नाम का ऐलान कर दिया है, जबकि सपा ने पहले ही अधिकतर सीटों पर अपने कैंडिडेट उतार दिए हैं। बीजेपी की जारी लिस्ट के मुताबिक करहल सीट पर बीजेपी के अनुजेश यादव और सपा के तेज प्रताप यादव के बीच मुकाबला होगा, जबकि कुंदर की सीट पर बीजेपी के रामवीर ठाकुर और सपा के हाजी रिजवान आमने सामने है। कठेरी सीट पर बीजेपी के धर्मराज निषाद और सपा ने शोभावती वर्मा को उम्मीदवार बनाया है। इसके अलावा फूलपुर पर बीजेपी के दीपक पटेल और सपा के मुजतबा सिद्दीकी के बीच मुकाबला है। मझवा सीट पर बीजेपी ने सुचिस्मिता मौर्य को टिकट दिया है, इनका मुकाबला सपा की ज्योति बिंद से होगा। वहीं बीजेपी ने गाजियाबाद से संजीव शर्मा और खैर सुरक्षित सीट से सुरेंद्र दिलेर को टिकट दिया है। इन दोनों सीटों पर अभी समाजवादी पार्टी ने अपना उम्मीदवार घोषित नहीं किया है। बीजेपी का दावा है कि सभी 9 सीटों पर उसके ही उम्मीदवार जीत हासिल करेंगे। घर जाकर हम लोग हमारी सरकारों ने जो काम किए हैं, हमारी पार्टी की जो प्राथमिकताएं हैं, उनकी चर्चा करेंगे और मुझे विश्वास है कि सभी चुनावों में भारतीय जनता पार्टी को इसने लोगों का मिलेगा। इन 9 सीटों में सपा मुखिया अखिलेश यादव की खाली की हुई सीट करहल भी शामिल है। करहल पर बीजेपी और एसपी उम्मीदवारों के ऐलान के बाद मुकाबला बेहद दिलचस्प हो गया है। बीजेपी ने सीट से मुलायम सिंह के दामाद अनुजेश यादव को टिकट दिया है। अनुजेश यादव सपा सांसद और अखिलेश के चचेरे भाई धर्मेंद्र यादव के बहनोई हैं, जबकि अखिलेश यादव ने अपने भतीजे तेज प्रताप यादव को सपा का टिकट दिया है। मतलब यहां मुकाबला सैफई परिवार के बेटे और दामाद के बीच होने वाला है। एक तरफ जहां बीजेपी और सपा आमने सामने आ चुकी है, तो वहीं सीटों के बंटवारे के लिए सपा और कांग्रेस में भी रस्साकशी चल रही थी। कई दौर की बातचीत के बाद आखिरकार सपा ने कांग्रेस को ठेंगा दिखा दिया है। सपा ने ऐलान किया है कि इंडी गठबंधन के सभी उम्मीदवार उसके चुनाव निशान साइकिल पर ही मैदान में उतरेंगे। हालांकि कांग्रेस को अभी भी समाजवादी पार्टी से उम्मीद कायम है।
साथ ही हमारे साथ कांग्रेस के नेता हैं, पूर्व एमएलसी हैं दीपक सिंह। दीपक जी, आप ये बताइए, क्या कांग्रेस वाकई में डर गई? उसको अपने जीत पर विश्वास नहीं था, जो 5 सीट मांगते मांगते जीरो पर आ गई। अखिलेश यादव ने कल रात में ट्वीट करके यह कह दिया कि समाजवादी पार्टी के ही झंडे पर सभी सीटों पर चुनाव होगा। कांग्रेस पार्टी निश्चित रूप से लोकतंत्र, संविधान की हत्या को लेकर डरी हुई है। कांग्रेस पार्टी ने हमेशा इंडिया गठबंधन की बात की और इंडिया गठबंधन को जिताने की बात की। हमारे नेता, हमारा शीर्ष नेतृत्व हमेशा कहता है भारतीय जनता पार्टी को हटाना है, देश और लोकतंत्र को बचाना है। उपचुनाव के नतीजों से यूपी में बीजेपी सरकार की सेहत पर कोई असर नहीं होने वाला है, फिर भी जीत के लिए दोनों दलों ने अपनी सारी की सारी ताकत झोंक दी है। विधानसभा उपचुनाव की सभी 9 सीटों पर 13 नवंबर को मतदान होगा, जबकि मतों की गणना 23 नवंबर को होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और अब बढ़ते आगे, दिखाते हैं आपको रहस्यमय नागिन का इंतकाम। तीन लोगों को काटा था, तीनों की अगले दिन मृत्यु हो गई। 3 दिन से लगातार हो रही है घटना। 4 टीमें वन विभाग की लगाई गई है, सफेदों की पूरी टीम आई है। खबर यूपी के हापुड़ से है, जहां पे एक रहस्यमय नागिन के चलते पूरे इलाके में खौफ का माहौल है। दरअसल एक नागिन ने 5 लोगों को डस लिया, जिसके बाद पूरे गाँव के लोग डरे हुए हैं, दहशत में है। पूरी खबर क्या है, रिपोर्ट में दिखाते हैं। तस्वीरें यूपी के हापुड़ की है, जहां रहस्यमय सांप को पकड़ने के लिए ग्रामीणों ने अभियान चलाया हुआ है। इसके लिए बाकायदा सपेरा बुलाया गया है, जो बीन की धुन पर गलियों और घरों में सांप का बिल तलाश रहा है। सिर्फ सपेरा ही नहीं, ग्रामीण खुद भी चप्पे चप्पे पर जहरीले जीव को खोज रहे हैं, जो उनकी जान का दुश्मन बना हुआ है। रहस्यमय सांप के आतंक ने गांव में लोगों की रात की नींद और रातों का सुकून छीन लिया है। हर वक्त लोग अपने आसपास निगरानी करते रहते हैं, कहीं किसी कोने से निकलकर सांप उनके शरीर पर अपना जानलेवा दांत ना गड़ा दे। दहशत का ये आलम है कि माएं अपने बच्चों को अकेला नहीं छोड़ रही हैं, जबकि युवक डंडे लेकर झुंड बनाकर ही घर से बाहर निकल रहे हैं। रात हो या दिन, सुबह हो या शाम, सांप के खौफ ने इनकी जिंदगी को नरक बना दिया है। ये पूरा मामला दिल्ली के पास मौजूद हापुड़ जिले के सदरपुर गांव का है, जहां एक रहस्यमय सांप का खौफ पसरा हुआ है। इस सांप ने अब तक कुल 5 लोगों को काटा है। सिर्फ 5 दिन में सांप ने 5 लोगों को अपना शिकार बनाया। एक ही रात में घर में सोए माँ और उसके 2 बच्चों को काट लिया। जहर की वजह से 3 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई। इसके बाद एक दूसरे परिवार पर सांप का कहर टूट पड़ा। दिन में पति और उसी रात को उसकी पत्नी को भी सांप ने डस लिया। हालांकि समय पर अस्पताल पहुंचने से दोनों की जान बच गई। गांव में 5 लोगों को सांप के डसे जाने से ग्रामीण परेशान है। 20 तारीख की रात से 3 लोगों को काटा था, तीनों की अगले दिन मृत्यु हो गई। फिर अगले दिन फिर काटा एक को, अस्पताल उपचार के लिए चले गए, फिर उसकी बीवी के लिए काट गए अगले दिन। 3 दिन से लगातार हो रही है घटना। हम तो ये चाहते हैं कि हमारी सहायता करें। रात यहाँ से कई लोग मकान छोड़कर, अपने घर छोड़कर चले गए, और रात को दहशत इतनी है कि खरंजों पर सोते हैं और बहुत पैर लगाते हैं कुछ लोग, भयंकर है। सांप के खौफ के बीच गांव में अफवाहों ने भी जन्म लेना शुरू कर दिया है। कुछ लोग इसे नागिन का बदला कह रहे हैं, तो कुछ इसे कोई किसी पुरानी कहानी से जोड़ रहा है। हालांकि ऐसी किसी बात की कोई पुष्टि नहीं की जा सकी है। दहशत की वजह से गांव में पलायन भी शुरू हो गया है। बच्चों को लोग रिश्तेदारों के घर भेज रहे हैं। गांव के लोगों ने अपने खर्च पर सपेरा बुलाया था, लेकिन कड़ी मशक्कत के बाद भी सांप नहीं पकड़ा जा सका। सांप को लेकर गांव में अफवाहों का बाजार गर्म है। प्रशासन का दावा है कि जल्द ही सांप को पकड़कर दहशत और अफवाह दोनों को खत्म कर दिया जाएगा। वन विभाग की टीमें लगातार यहां पर रेस्क्यू कर रही हैं। कल भी एक सांप का रेस्क्यू किया गया। हमारी सपेरों की टीम मेरठ से बुला ली गई है हम लोगों के द्वारा, और वो लगातार अपना प्रयास कर रही है। 4 टीमें वन विभाग की लगाई गई है, पुलिस प्रशासन साथ में है, और सपेरों की पूरी टीम आई है।
इस रहस्य में सांप को खोजने के लिए प्रशासन भी सक्रिय है। वन विभाग की टीम ने भी गांव में डेरा डाला हुआ है, लेकिन सबके हाथ खाली है, सांप गायब है और गांव में दहशत का माहौल कायम है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।